हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि उन लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 9th ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल रिसर्चर। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की या फिर किसी बैंक की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल रिसर्चर की कर रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी दो वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी हमारे ऑनरेबल मिस जस्टिस रेखा बुराना के अंडर में निकाली गई है और एक वैकेंसी हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक कुमार जैन के अंडर में निकाली गई है। टोटल हमारी दो वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि जब आप एज अ लीगल रिसर्चर अपॉइंट हो जाएंगे आपको ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रेखा बुराना या फिर जस्टिस अशोक कुमार जैन के अंडर में अटैच किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एज अ लीगल रिसर्चर राजस्थान हाईकोर्ट में अपॉइंट होना चाहते हैं तो आपकी एज बिलो 33 इयर्स होनी चाहिए एज पर ऑन 1st January 2024, यानी आपकी एज 1 जनवरी 2024 से पहले 33 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने आपसे बोला है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन फी के बारे में। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फी लगेगी वो आपकी 100 रुपीज होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो सैलरी प्रोवाइड करेगा राजस्थान हाई कोर्ट वो आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। इसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड करे जाएंगे, सिर्फ आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस जॉब के बारे में। ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी। अगर आपके सुपीरियर को यानी जिस जस्टिस के अंडर में आप अटैच किए जाएंगे उनको अगर आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू किया जाएगा और उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट के बारे में। इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन हमारे 10th ऑफ जनवरी 2024 से चालू हो गए थे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 24th ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन को बिफोर 24th ऑफ जनवरी फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आपकी पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 25th ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है, यानी आपको बिफोर 25th ऑफ जनवरी शाम 5 बजने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लस अपनी फी पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इसमें राजस्थान हाई कोर्ट कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद
आपको ईमेल आएगा, जो भी आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल आएगा, या फिर आपके फोन नंबर पे आपको मैसेज आएगा, या फिर आपको वाया पोस्ट के थ्रू आपको इनके ओर से पोस्ट आएगा जिसमें आपको डेट टाइम वेन्यू के बारे में बता रखा होगा और उसमें बता रखा होगा कि आपको किस टाइम पे किस डेट पे उनके प्रेमाइसिस में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे मेक श्योर करें कि आप लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।